पिछले कुछ समय से असम, झारखंड एवं उड़ीसा में पिछले कुछ समय से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। एनआईए रो अलर्ट को अनदेखा करितला कि गुइंदा विभाग, सतर्क होइ नथिला कि पुलिस। ओडिसा रे जमातुल मुजाहिदीन आतंकवादी पाखरे नकली सिम। कोलकातारु तीनी जेएमबी रो आतंकवादी गिरफ हेबा परे एबे बढ़ी चिंता, कारण ओडिसा, आसाम और झारखंड रे जमातुल मुजाहिदीन रो गतिविधि बढ़ुथबा नै पूर्वरु अलर्ट करितला एनआईए। पाखापाखि देढ़ वर्ष तले राज्य में जेएमबी आतंकवादी गतिविधि बढ़ुथबा सूचना देथिले सेतेबेलर एनआईए मुख्य। 2019 अक्टोबर में ओडिसा पुलिस अफिसर मानू तालीम भी दि जाइला, यहाँ हल्का भाव नहीं कि गुइंदा विभाग। एनआईए रो सूचना पर सतर्क होता किए, पूर्वतन पुलिस डीजी मतरे ओडिसा पुलिस और गुइंदा विभाग एनआईए संपर्क में रहा आवश्यक। कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की आड़ में जेएमबी द्वारा उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इत्यादि में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। एनआईए द्वारा जेएमबी से जुड़े हुए 125 संदिग्ध अभियुक्तों की लिस्ट सभी संबंधित एजेंसियों को सर्कुलेट की गई है। तो उड़ीसा रे ए प्रकार बहुत एक्टिव नहीं, परंतु प्राय एटी देखुची से माने लुचबा पर ही प्राय आसछंती। आउ वर्तमान रे परिस्थिति रे जे खबर आउछि से माने पर प्रथा भी से माने रहछंती लुचिछंती, एटा स्लीपिंग पार्टनर भलिया बहुत ए प्रकार परिस्थिति रे आमर गोइंदा विभाग को सतर्क रहबा कथा। काहीकि ओडिशा को सुरक्षित स्थान भाभी आश्रय नौछंती आतंकवादी, काहीकि सेमान को पाखरे पहुंची पारुनी गुइंदा विभाग, जहाँ को नहीं उठलेने बे सबुठ बड़ प्रश्न। कोलकाता रु गिरफ होइतबा तीनी आतंकवादी को निकट रु जबत होइछि नकली आधार कार्ड, अर्थात एमाने अन्यर परिचय दे रहुथिले, नकली सामग्री व्यवहार करुथिले। किछि दिन तले एक बड़ धरणर साइबर ठक गैंग को गिरफ करितला कमिश्नरेट पुलिस। सेमानक निकटरु 16,000 अधिक प्री आक्टिवेटेड सिम जबत होइतला। एही प्री आक्टिवेटेड सिम जरिया रे अपराधिक कार्य करुथिले, सिम ओडिसा बाहर को पठाउथिले। कोलकातारु गिरफ तीनी आतंकवादी एही नकली सिम व्यवहार करुनथिले, त आतंकवादी को नकली आधार कार्ड जोगाउथबा सलीम मुंशी एबे फेरार अछि। से गिरफ हेले एसब ऊपर पर्दा हटिबा नै अनुमान करा जाउछे। साइबर क्राइम ऐसे एक क्राइम है जो कॉन्टैक्टलेस है और बॉर्डरलेस है। ये उड़ीसा के जो प्री एक्टिवेटेड सिम, जहां उड़ीसा के नंबर आता है, वो कहीं दूसरे स्टेट में उसको लेके क्राइम करते थे। जो गिरोह को हम लोग पकड़े है वो प्री एक्टिवेट सिम इधर बना के इसको स्टेट के बाहर भेजते थे। साइबर क्राइम ऐसे एक क्राइम है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। ओडिशा को सुरक्षित मणुछंती कि आतंकवादी, गत किछि वर्ष मध्ये ओडिशारु अनेक आतंकवादी को गिरफ करा जाइछे। एबे जदि पूरी आतंकवादी राज्य को पसिथांती तेबे सेमान को खोजी बाहर करिबा गुइंदा विभाग पई बड़ चैलेंज हेबो। कटक रु इमरान खान को सह भुवनेश्वर रोशन रथ रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।